नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए जो लेके आई हूँ, आज भी बहुत ही अच्छा ताल है। ये ताल ये है छल्ले वाला, जो बहुत सारे लोग की ये फरमाइश आ रही थी कि मैम अभी शादी स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत सारे ऐसे जो छल्ले पे सॉन्ग बजते हैं शादी के, तो वो अगर आप हमको अभी सिखा दोगे तो जनवरी के लास्ट तक हम लोग को आ जाएगा। तो इस वजह से मैं छल्ले वाले ढोलक आप लोग के लिए लेके आई हूँ, और बहुत ही बेहतरीन बजने वाला है। तो आज मैं पहले आपको बताती हूँ, पहले गा के सुनाती हूँ, उसके बाद आपको ऐसे ही बताऊँगी, जैसे मैं बजाऊँगी वैसे ही बताऊँगी कैसे आपके ये ताल कैसे बजते हैं। तो अभी मैं आपको गा के सुना रही हूँ यही ताल, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, ठीक है? तो आप लोग ऐसे हमारे चैनल पर बने रहें। तो आपको अभी पहले मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ शादी का। जैसे क्या होता है ना कि एक पंथ दो कार्य, तो मतलब एक साथ दो दो काम मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? तो आइए मैं बताती हूँ कैसे आपको बजाना है, ठीक है? इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है, ओ मेरी प्यारी बना हल्दी का रंग तेरे अंग में, ओ मेरी प्यारी बना हल्दी का रंग कराए, रह रह के गम खाए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है, नारानी रह रह के गम खाए, इसे क्या हो गया है, इसे क्या हो गया है, बन्ना बुलाए बन नहीं आए, आने में शरमाए, इसे क्या हो ऐसे ही गाना है। और बजाना कैसे है, अब आप आइए सीखिए कैसे आपको बजाना है, ठीक? आपको गिराना है, टोटल काउंटिंग आपकी 8 काउंटिंग है इस ढोलक में, और बहुत ही बेहतरीन है, बिल्कुल काउंटिंग कुछ है ही नहीं, जान लीजिए काउंटिंग बस कहने के लिए 8 है, और आपको बिल्कुल काउंटिंग अभी आप बजाने लगोगे ना आपको लगेगा ही नहीं कि काउंटिंग भी है। तो 1 2, दो बार केवल आपको बेस के साइड मारना है, 1 2, दो बार हो गया। उसके बाद आप आ जाइए 3 4 5 6 7 8, 6 बोल जो आपके हैं वो चाटी पे रहेंगे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। आपका जो ये अंगूठा वाला ये जो फिंगर है आपका, ये जो है आप इसमें छल्ला पहनोगे, उसके बाद जो छल्ला अगर आपके लोहे होंगे तो आप उस पर लोहे पे मारोगे, नहीं तो आप जो लकड़ी होंगी लकड़ी पे भी आप मार सकते हो, तो बहुत ही अच्छा वॉइस उस पर भी निकलेगी, ठीक है? तो आप दोनों पे मार सकते हो। और उसके बाद जो 3 वाली फिंगर है आपको, 1 2 3, जो 3 वाली काउंटिंग वाली जो फिंगर है आपको इस पे लगाना, ठीक है? यही फिंगर आपको मारना है, 3 4 5 6 7 8, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सच बता रही हूँ, अगर आप इसे सीख जाओगे ना तो आपके 2 दिन में ये एकदम ताल कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप मन से सीखते हो तो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। अगर आप चेयर पे बैठे हो, आप चेयर पे भी अगर आपको काउंटिंग लर्न है तो आपको बजाने में कोई नहीं, आप कहीं भी बजा सकते हो। आप चेयर पे बैठे हो, चेयर पे बजाओ, सोफे के पास बैठो, सोफे पे बजाओ, मतलब कहीं भी आप अपने हैंड को चलाते रहो ना, बहुत अच्छे से आपको बजाने आ जाएगा। ये जो कमेंट इतने लोग को जी आप लोग करते हो ना कि मैम हम लोग को नहीं आ पा रहा है, तो आएगा। आप ऐसे पहले कैसे बोल दे रहे हो नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। आप बिल्कुल ये परेशान मत होइए कि आपको नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है? तो अगर आप ये सोच के चलो मुझे सीखना है तो आपको ज़रूर सीखना, तो आपको ज़रूर आएगा, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 6 7 8। और एक चीज़ और हम बता दें, एक टेक्निक आपको, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसे चलाना चाहते हो ना, तो आप ऐसे भी चला सकते हो, क्योंकि अभी आपको क्या करना है, अभी आपको हैंड को चलाना है। तो ये है, अगर आपके फिंगर, अगर हैंड आपके अच्छे से चलने लगे, तो आपको वैसे ही आपके ढोलक बज जाएंगे, चाहे आप कितनी भी काउंटिंग आपको बजानी हो। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अगर आप ऐसे करो तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको दोनों टेक्निक मैं बता दी हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हो। कैसे आपको जाना है, अगर आपको काउंटिंग करके बजाना है तो आप काउंटिंग करके बजाइए, आपको अगर ऐसे ही बजाना है, पूरे टाइम बजाते ही रहना है, तो आप वैसे ही बजा सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, जब आपको रिदम में लाना होगा तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपकी ये हमेशा चली है। अगर आप काउंटिंग करके बजाओगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे होता है ना कि देखिए, जब आप बजाते हो अपने आप हैंड अभी चलने लगेगा, देखिएगा आपको काउंटिंग की कभी जरूरत ही नहीं है, अपने आप बेस के साइड अपने आप बजने लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब बहुत ही बेहतरीन बजने वाला, अगर आप खुद सोचोगे ना कैसे इतने जल्दी बज गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही आपको बजाना। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं कि छल्ले वाली ढोलक कैसे बजेगी। ठीक है, तो बस मैं अभी बस यहीं तक क्या है, मतलब जितना आपको बताना था मैंने अच्छे से बताया, आपको ज़रूर आएगा आशा करती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। तो मिलती हूँ मैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, लव यू। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और मस्त रहें, खुश रहें, जहाँ भी रहें, और सबको खुश भी रखें और खुद भी खुश रहें।